हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वर्ड बड़ा है तो इसे स्प्लिट कर लेंगे इन इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट। तो अभी इलेक्ट्रो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी और समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट पहली बात तो एक टेम्पररी मैग्नेट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आप लिखेंगे ये है एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। इस कॉपर वायर में क्या है, विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स हैं, और फिर इसको क्या किया है, रैप किया है। सो रैप्ड किसके आसपास, अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, एक सॉफ्ट आयरन के कोर के आसपास इसको रैप कर दिया है। नाउ बोथ एंड्स, इसके दोनों एंड्स को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्टेड किससे, टू सेल या फिर बैटरी, अभी बैटरी मान लेते हैं, बैटरी एंड की। अब बैटरी क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में मेंटेन करें। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा तो करंट फ्लो कर सकता है। की क्यों यूज कर रहे हैं, सो दैट वी कैन स्विच ऑन एंड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो फ्रेंड्स, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन, करंट ऑन है, तो अब करंट ऑन है, करंट का फ्लो होगा एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। बेसिकली मैग्नेट की तरह बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ, सो मैग्नेटिक फील्ड is not produced, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क नहीं करेगा। तो ये आप लिखेंगे when the question comes define इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो फ्रेंड्स, अब आप घर पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। आप लेंगे आयरन का एक नेल, इसके आसपास रैप करनी है इंसुलेटेड कॉपर वायर विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। सो दीज आर द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो बोथ एंड्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, आप सेल भी यूज कर सकते हैं, एंड अ की। अब करंट, अब जब हम की को स्विच ऑफ करेंगे, करंट का फ्लो होगा, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। अब मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और नेगेटिव टर्मिनल में ये वापस आ गया करंट। सो नाउ, अब ये जो नेल है ये तब तक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी जब तक करंट का फ्लो होता रहेगा सर्किट में, कॉइल में से, और जब करंट का फ्लो कॉइल में से रुक जाएगा तो ये जो नेल है अपना सारा मैग्नेटिज्म लूज कर देगी। अब इस मैग्नेटिज्म आ कहाँ से रहा है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो रहा है बाय द कॉइल। जब कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। क्यों, सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ट ने बताया था दैट व्हेन करंट फ्लोस थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू अ वायर, then the wire or the current carrying conductor behaves as a magnet, or basically the current produces a magnetic field. तो इधर ये जो coil है, जब उसमें से current flow करेगा तो magnetic field produce करेगी, इस magnetism आएगा, और फिर जो magnetism है ये induce हो जाता है इस iron की nail में, और ये iron की nail तब तक magnet की तरह behave करती है जब तक current का flow होता है। It will only retain its magnetism till the time current is switched on. When current is switched off, it loses all its magnetism. तो इस तरह से आप बना सकते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एट योर होम। तो फ्रेंड्स, अब आप जब NCERT पढ़ रहे होंगे, यू मस्ट हैव केम अक्रॉस द टर्म सोलेनोइड, राइट? तो सोलेनोइड आप कंफ्यूज हुए होंगे क्या होता है सोलेनोइड। सो लेट्स टॉक अबाउट अ सोलेनोइड नाउ। तो सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड इज एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ही है। अब इसकी हमने क्या किया, इंसुलेटेड कॉपर वायर विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स हैं, लेट्स अज्यूम ये मेरे टर्न्स हैं। नाउ द बोथ एंड्स ऑफ दिस वायर आर कनेक्टेड टू अ सेल और अ बैटरी, मैं बैटरी यूज कर रही हूँ पर आप सेल भी यूज कर सकते हैं, एंड टू अ की। बैटरी और की का पर्पस मैं आपको इधर ही बता चुकी हूँ। सो नाउ, अब करंट पहले तो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जो की को स्विच ऑफ करेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी यहाँ से होते हुए करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। सो नाउ फ्रेंड्स, अब क्या होगा, अगर इस सोलेनोइड में मैं क्या करूँ, एक सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दूँ,
तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगा, और अगर स्टील का कोर डाल दूं तो वो एक परमानेंट मैग्नेट बना देगा। सुनाओ, अगर इधर में सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दूं तो ये बनाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सो अब इधर जो सोलेनोइड है, क्योंकि हमने इसमें सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दिया है, सो नाउ इट ओनली बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मोर लाइक अ बार मैग्नेट। हमें कैसे पता? क्योंकि अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वह अपने आप को नॉर्थ आउट डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, विच इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट। अब हम सब जानते हैं कि जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसका एक नॉर्थ और साउथ पोल भी होता है। तो मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होना चाहिए और उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए, एम आई राइट? तो इसका नॉर्थ साउथ पोल कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल। तो क्लॉक फेस रूल इज लाइक, इधर हम लिखेंगे नॉर्थ लाइक दिस, इधर लिखेंगे साउथ। तो फ्रेंड्स, अगर जो करंट है उसका फ्लो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो द पोल इज नॉर्थ, और अगर करंट का फ्लो क्लॉकवाइज हो रहा है इस तरह, क्लॉकवाइज क्या होता है? जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है बिल्कुल उसका अपोजिट। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो साउथ पोल। सो दिस मीन दिस इज द क्लॉक फेस रूल। अब आइए इधर पोल्स डिटरमाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखिए इधर करंट का डायरेक्शन कैसे, अगर मैं इधर भी एरो बनाऊंगी तो इस तरह से, सो दिस मीन्स दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट का तो पोल कौन सा होना है? साउथ पोल। अब एक साउथ पोल है, दूसरा पोल कौन सा होगा? ऑफ कोर्स नॉर्थ पोल। तो ये है नॉर्थ पोल। तो फ्रेंड्स, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है? स्ट्रेट, नियरली स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, जैसे कुछ इस तरह। सो दे आर स्ट्रेट, दे आर पैरेलल, दे आर इक्विडिस्टेंट। और वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और आउटसाइड किस डायरेक्शन में? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और क्लोज एंड कंटीन्यूअस कर्व्स ही बनाती है लाइक अ बार मैग्नेट। तो कुछ इस तरह से गई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऊपर से जा रही है इस तरह से, और इस तरह गई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो नीचे से जा रही है, दोनों ही जाएंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लियरली नहीं दिख रही है, मैं आपको इधर फिर से बना के दिखा देती हूँ। सो दे आर नियरली स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। तो फ्रेंड्स, अब देखिए इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट है, स्ट्रेट है। So they represent uniform magnetic field. So if the magnetic field lines are parallel, equidistant and straight, so they represent the uniform magnetic field. So inside bar magnet or inside a solenoid or inside an electromagnet, there is uniform magnetic field, which is represented by straight, equidistant and parallel magnetic field lines. So friends, ab dekhiye. ये एक डायग्राम होता है सोलेनोइड का, और क्या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड सोलेनोइड कैसी होती है? नियरली स्ट्रेट, पैरेलल, इक्विडिस्टेंट। और आउटसाइड कैसी होती है? दे फॉर्म क्लोज एंड कंटीन्यूअस कर्व्स। सो दे आर लाइक अ बार मैग्नेट ओनली। तो फ्रेंड्स, अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए इन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो First is that B is directly proportional to the current flowing through the circuit. जितना ज़्यादा current flow करेगा, उतनी strong magnetic field produce होगी. Second is number of turns per unit length, जिसको हम N से represent करते हैं. तो friends, अब देखिए, जितने ज़्यादा number of turns होंगे, होता क्या है? हर turn से जब current flow करता है, तो उसकी एक individual magnetic field produce होती है. क्योंकि जब करंट फ्लो करता है थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर और थ्रू वायर, सो इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है हर टर्न की एडअप होती रहती है, तो ओवरऑल कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज द सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टर्न्स। सो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ही बड़ा सम आएगा और उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। आई होप यू ऑल अग्री विद दिस। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर गैप बिटवीन पोल्स। एयर गैप बिटवीन पोल्स क्यों?
अब एयर गैप बिटवीन पोल्स, मतलब पोल्स जितने दूर होंगे उतनी वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक बार शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट में, जैसे यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये बार शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी? जैसे मैं कोई फिगर ए है, फिगर बी है, तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, ए की या बी की? ऑफ कोर्स ए, क्योंकि इसके पोल्स का गैप कम है एज कम्पेयर टू द गैप ऑफ पोल्स ऑफ दिस बार शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो दिस प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। फ्रेंड्स, अब एक और फैक्टर होता है, दैट इज नेचर ऑफ कोर मटीरियल यूज। मतलब जैसा कोर मटीरियल यूज किया है उसका जो नेचर है, दैट ऑल्सो इफेक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। जैसे अगर सॉफ्ट आयरन को एज अ कोर मटीरियल ले तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। तो बेसिकली जो हमने कोर मटीरियल लिया उसका नेचर क्या है, दैट ऑल्सो इफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो फ्रेंड्स, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए द फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट और फॉर सोलेनोइड, सो इट डिपेंड्स ऑन करंट फ्लो इन फील्ड सर्किट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एयर गैप बिटवीन पोल्स एंड नेचर ऑफ कोर मटीरियल। अगर क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क्स का, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो एन इंसुलेटेड कॉपर वायर विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर विद इट्स बोथ एंड्स कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड की। जब करंट स्विच ऑन होते हैं सो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, एंड व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ इट डज नॉट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रिटेन्स इट्स मैग्नेटिज्म ओनली टिल द टाइम करंट फ्लोज थ्रू इट, एंड इट लूजेस ऑल इट्स मैग्नेटिज्म इमीडिएटली व्हेन करंट फ्लो इज स्विच्ड ऑफ। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, so you can write magnetic effect of electric current. So that was all for today's video. Like, share and subscribe to Aliya Port. Also click on the bell icon to get the latest updates on the videos I'm uploading. Goodbye and thanks for watching.